हाय, मैं हूँ राज शमानी एंड आप देख रहे हैं राज शमानी क्लिप्स चैनल। अगर आपको बेहतर लीडर बनना है और ऐसे बहुत नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के टॉप लीडर्स से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेके आते हैं आपके लिए। आपने एक पॉडकास्ट पर ऐसा बोला था कि इंडिया की जो राजनीति है वो कई बार न्यूयॉर्क और लंदन से शुरू होती है, और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की राजनीति इंडिया से कहीं पहले कहीं दूसरे देशों में स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों बोला? नहीं, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि उस समय मैं देख रहा था और मुझे लगता है वो अभी भी जारी है कि ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है और इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में खाली व्यापार माने इकोनॉमिक्स ही ग्लोबलाइज नहीं है, टेक्नोलॉजी ही ग्लोबलाइज नहीं है, पॉलिटिक्स भी ग्लोबलाइज हो चुकी है। तो दुनिया में एक, मैं कहूँगा, एक ग्लोबल एलीट है जो बड़े न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़ मीडिया चलाते हैं, एक किस्म से दुनिया की सोच जो है वो तय करते हैं। और उनको लगता है कि हम जो कहेंगे दुनिया में वही होगा। अब जो उनके कहने के बावजूद अगर भारत देश जैसे देश में कुछ होता है तो उसका वो विरोध करते हैं। और तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चुनाव का समय है तो वो कहेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को नहीं दीजिए। कहेंगे कि अरे डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है। कहेंगे कि पता नहीं इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, इंटॉलरेंस हो जाएगा। तो और मैंने, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इन्होंने बहुत दिमाग इस पर खपाया। तो जैसे इंडेक्स बनाते हैं तो आपको कहीं नीचे कर देंगे, किसी को ऊपर कर देंगे। तो ये सब एक किस्म से ये एक गेम है जो गेम है। तो मुझे लगा कि मैं ये देख रहा था कि जो यहाँ जो राजनीति में जिनको सक्सेस नहीं मिली और जिनके तर्क जो हैं यहाँ माने उसका ट्रैक्शन नहीं था, वो क्या करते हैं, वो देश के बाहर जाते हैं और वही माने रिकॉर्ड वही प्ले करते हैं वहाँ। और उनको लगता है कि अच्छा, रिकॉर्ड प्लेयर आप किसी और लोकेलिटी में ले गए तो हो सकता है कि वहाँ एक किस्म से गाना वहाँ से शुरू करें, उसका इको चैम्बर होता है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले सालों में ये हमारे पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना और एक किस्म से बाहर लोगों को इन्वाइट करना कि अब साहब आप भी आइए, प्लीज़ कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ माई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। मैं नहीं कह रहा कि देश में सब 100% ठीक है। अब सब, वी आर ऑल इम्परफेक्ट और एंड डेमोक्रेसी बाय नेचर, जैसे कहते हैं, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते कि भाई हम अब 100% हम माने वहाँ वी अचीव्ड एवरीथिंग। पर ये जो बाहर से लोगों को एंकरेज करना, बाहर जाकर एंकरेज करना, इसके इसीलिए इस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। सो यूजुअली, मतलब इसका अगर मैं मीनिंग थोड़ा इजी वे में अगर बोलना चाह रहा हूँ तो ऐसा है कि आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कुछ कंट्रीज़ या कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है कि इंडिया का सिग्निफिकेंस बहुत तेज़ी से बढ़े और इसकी वजह से वो बाहर पॉलिटिक्स करते हैं और मे बी एक नैरेटिव, एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं दुनिया से फंड्स, दुनिया से ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, वो अफेक्ट हो। इज दैट व्हाट यू मीन इन सम वे? पार्टली, बट पार्टली आई ऑल्सो से कि आई मीन अमंग अस इंडियंस, अगर कोई बाहर के कोई ताकत हो, दे डोंट वांट इंडिया टू ग्रो। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, दुनिया में कंपटीशन है, स्पर्धा है, दैट इज अ नेचुरल यू कैन से। कौन से ऐसे देश होंगे जो नहीं चाहते? हाँ, नहीं, देखिए अल्टीमेटली दुनिया में जब करीब 200 देश हैं, फाइनली आप जब कहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स एक्सेट्रा, क्या होता है, 200 पीपल कम्पीट। अब 200 पीपल कम्पीट, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, डोंट थिंक एवरीबडी एल्स ताली बजा रहे हैं। इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स डिफरेंट पीपल विल ऑल्सो हैव फीलिंग्स अबाउट इट, पर्टिकुलरली इफ यू आर बिहाइंड यस्टरडे बट यू आर अहेड टूडे। तो दिस विल हैपन, आई कैन अंडरस्टैंड पीपल, बाहर से लोग ये चाहें, ये करें, ये गेम्स जो आप हम कह रहे थे वो प्ले करें। पर मेरा जो कंप्लेंट जो है
कि हमारे देश से पीपल फ्रॉम इंडिया शुड नॉट बी एंकरेजिंग इट एंड इन्वाइटिंग, दिस इज माई प्रॉब्लम. आपको जो कहना बिल्कुल देश में कहिए, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, यू नो. आई मीन आई रेयरली आई यू नो जब मैं बाहर जाता हूँ एंड आई डू लॉट ऑफ मीटिंग, आई टेल पीपल सेइंग दैट लुक यू आर आस्क मी दिस क्वेश्चन इन इंडिया एंड मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा. But don't take me outside the country and do that politics outside, because मुझे लगता है it harms us, you know. Because others, see, what is the history of this country? History of this country where that our own people sometimes, I'm not talking now, I'm talking hundreds of years. माने किसी यहाँ झगड़ा था, आपने बाहर के आदमी को बुला लिया to settle it. And वो उसके बाद वो वापस कभी नहीं गए. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है और अपना इंडियन ड्रीम अचीव करना है इंडिया में, तो राजशमानी क्लिप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के टॉप लीडर्स को समझते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके लिए ईजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप एक बेहतर लीडर बन पाए. थैंक यू सो मच.